नमस्कार दोस्तों, फैक्टाई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए, समाज के लिए क्या योगदान दिया है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम रूपवती इंशा है, मैं नोएडा में रहती हूँ। मैडम आप हमें ये बताइए कि बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए, समाज के लिए क्या योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं जो आज कोई नहीं, आज की दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जैसे वृक्ष लगाना, सफाई अभियान चलाना, गरीब लड़कियों की शादी कराना, जो बीमार हैं उनको इलाज कराना, उनके लिए खून दान करना, ऐसे बहुत सारे हमारे 133 मानवता भलाई कार्य चल रहे हैं। उनमें सब में बढ़ चढ़ कर सब लोग सहयोग करते हैं और ये सब पूज्य पिताजी की रहमत से होता है। इस समय समाज को बहुत ज़रूरत है उनकी, क्योंकि ये मानवता भलाई कार्य चल रहे हैं तो जब तक पूज्य गुरु जी नहीं होते हैं तो ये सब हो नहीं पाता है उस तरह से जैसे पहले होता था। अब ज़रूरत इतनी है कि भाई वृक्ष लगाना, पिताजी के सहयोग से ये सब होता था, सफाई अभियान चलाना। इतनी दुनिया की गंदगी होती है इस टाइम, तो बीमारियां इतनी हो रही हैं कि बस कुछ पूछो मत। लेकिन अब सफाई अभियान नहीं हो पा रहे हैं, पिताजी नहीं हैं, तो नशा, जैसे लोग बाग नशा करते थे और करते हैं अभी, तो क्या नाम, उसकी भी लिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पिताजी ने अच्छी शिक्षा दे देते, कहते थे कि ये बहुत गलत चीज़ है, इनमें मत जुड़ो। और आज तक कितने लोगों का नशा छुड़वा दिया बाबा राम रहीम जी ने? करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों लोग सुधरे हैं, घर सुधरे हैं उन लोगों के, जहाँ लोग आके पी के घर में ड्रामा करते हैं, रोटी सब्जी नहीं ला के रखते हैं, घर में सामान नहीं लाते लेकिन दारू पी के आ जाते हैं, तो ये सब उन्हीं की रहमत से हुआ है। कुछ इतने करोड़ घरों सुधरे हुए उन्हीं की वजह से। बाबा राम रहीम जी के सत्संग में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी, क्या प्रेरणा दी जाती थी उनके द्वारा? ये तीन परहेज बताते हैं वो, के का नाम पर स्त्री, पर वो उसको का नाम अपनी बहन, माँ, बेटी मानो और नशा मत करो, ये इसी तरह की शिक्षा देते थे। अंत में आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे पिताजी को, हमें ज़रूरत है उनकी, और उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करो। जी मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।